छत्तीसगढ़ कांग्रेस में राधिका खेरा के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दखल दिया है, साथ ही वह मामले की रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भी भेजेंगे। इससे पहले दीपक बैज ने राधिका खेरा और सुशील आनंद शुक्ला के साथ अलग अलग बैठकें की। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि घर का मामला है, वो आपस में सुलझा लेंगे। अभी कोई निष्कर्ष नहीं, जो भी बात है घर का मामला है। हम घर में बैठ के चर्चा की है, ऑफिस में बैठ के चर्चा की है, पार्टी कार्यालय में बैठ के चर्चा की है, और जो भी बात होगी हम लोग दिल्ली को यह चीज को मैसेज हम राधिका जी ट्वीट कर रही है, सिलसिला रुकेगा कि अभी चलो देखते। गौरतलब है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 30 अप्रैल को राधिका खेरा और सुशील शुक्ला के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद राधिका खेरा ने ट्वीट के जरिए पार्टी नेता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। राधिका ने अपने पोस्ट में कहा था कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है, पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं, करूंगी खुलासा। इसके अलावा राधिका खेरा ने एक अन्य पोस्ट में सुशील को दुशील बताया था। राधिका ने अपने पोस्ट में लिखा कि दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूँ, लड़ रही हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। गौरतलब है कुछ दिनों पहले राधिका खेरा का कथित वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वह कांग्रेस नेता पर तमाम आरोप लगाते हुए दिख रही थी। मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और महिलाओं के अपमान करने का आरोप लगाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।